हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। जॉब न्यूज की बात करें या आपके केंद्रीय विद्यालय या सीटेट की बात करें, आज बेसिक जो मेरा वीडियो है वो सीटेट के ऊपर है। तो जो भाई बहन पास हो चुके हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशन है उन्हें, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपके सामने अब काफी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल गए हैं। और जो सीटेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली बेस्ट बुक्स आप ले सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर मैंने पोस्ट कर दिए सीटेट की बुक्स, लिंक भी शेयर की है आपकी अमेजोन की, इन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ये बुक्स आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही मंगाना है, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। बेस्ट बुक से तैयारी करें और सीटेट क्लियर करें, जिससे कि आपके सामने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो दोस्तों, जिन्होंने सीटेट क्लियर कर लिया बहुत बधाई के पात्र हैं, आपकी सोच को मैं सलाम करूंगा दोस्तों, क्योंकि आपने वो चीज क्लियर कर लिया जिसके बाद आपको 2019 या 20 में जॉब 100% मिल जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है सीटेट के बाद। बहुत से भाई बहन ये जानना चाह रहे थे कि सर सीटेट तो हमने क्लियर कर लिया, अब आगे क्या, कि हमें इसी से जॉब मिल जाएगी, हमें कोई और टेस्ट देना पड़ेगा? डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से भाई बहनों ने ये भी पूछा है कि सर एज ए गेस्ट टीचर हम सीटेट का बेनिफिट्स ले सकते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय में सीटेट के जो भी गेस्ट टीचर की जगह निकलती है उसमें सीटेट को प्राथमिकता जरूर दी जाती है। दोस्तों ये आप मानकर चले, यानी कि उसमें बीएड डीएड है और आपके सीटेट है, तो पहली नजर आप पे ही होगी क्योंकि आपने सीटेट क्लियर किया है। तो गेस्ट टीचर भी यदि आप लगते हो केंद्रीय विद्यालय में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और केंद्रीय विद्यालय में गेस्ट टीचर की समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती है, जो कि आपके राष्ट्रीय रोजगार निर्माण में आती रहते हैं और आपकी जो लोकल न्यूज पेपर होते हैं उनमें भी ये न्यूज आती रहती है। और साथ में इनकी जो वेबसाइट होती है, यानी कि आपके केंद्रीय विद्यालय हर जिले पर होता है, तो उसमें भी आप वेबसाइट पर भी जानकारी विज्ञप्ति के बारे में देख सकते हैं, जो कि आपके एज ए गेस्ट टीचर निकलती है दोस्तों। तो इसकी भी पे स्केल अच्छी होती है, और एज ए आप रेगुलर टीचर बन जाते हो केंद्रीय विद्यालय में तो इसकी पे स्केल काफी अच्छी होती है, जो कि राज्यों की पे स्केल होती है उससे बेटर होती है। तो ये अपने आप में बेस्ट जॉब है दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट आखिरकार होता क्या है। सीटीईटी या सीटेट हम जिसे बोलते हैं वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है। इसके बाद आप चाहे नवोदय विद्यालय में हो वैकेंसी निकले, चाहे आपके केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकले, आप फॉर्म भरने के लिए काबिल हो जाते हो, यानी आप में योग्यता हो जाती है। ये जो सीटेट होता है वो 7 साल तक वैलिड रहता है, 7 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी होती है। 7 ईयर्स तक आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय फॉर्म फिल कर सकते हो, और यदि आपने वो एग्जाम क्लियर कर ली तो डेफिनेटली आप टीचर बन जाते हो। मेरे हिसाब से जो 7 ईयर्स होते हैं उसमें इंसान की जॉब लग ही जाती है। क्यों लग जाती है मैं आपको कारण बता देता हूं, क्योंकि एक तो आपकी तैयारी है, तैयारी इसलिए है कि आपने सीटेट क्लियर किया है, वही तैयारी आपके आगे चलकर काम आनी है, ठीक है दोस्तों। तो जब आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आप में वो योग्यता तो आई जाती है कि आप केंद्रीय विद्यालय की पात्रता परीक्षा हो या नवोदय विद्यालय की पात्रता परीक्षा हो, उसे आप क्लियर कर ही लोगे। अब बात करते हैं कि अभी आपको आगे क्या करना है। आपने जो भी अभी तैयारी की है सीटेट के, वो आपको जारी रखनी है, उसे छोड़नी नहीं है, ठीक है, वही आपको जॉब दिलाएगी। अब आप केंद्रीय विद्यालय में जैसे वैकेंसी निकलती है, आपने फॉर्म फिल किया, केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है कि पहले तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, सीटेट तो आपके पास है। अब इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट और होगा जो केंद्रीय विद्यालय पात्रता परीक्षा के नाम से होता है, ठीक है। आपने केंद्रीय विद्यालय में वो टेस्ट दिया और आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने अभी सीटेट दिया है, थोड़ा लेवल, एक लेवल थोड़ा हाई होता है आपका केंद्रीय विद्यालय का टेस्ट, है ना। जो सीटेट दिया है थोड़ा लेवल हाई होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, सेम सिमिलर ही होगा। आपने ये क्लियर किया वो भी हो जाएगा। अब आपने आपके केंद्रीय विद्यालय का टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, उसमें आपकी मार्किंग आ गई। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के और जो आपके लिखित परीक्षा हुई है यानी OMR सीट से होती है, तो वो परीक्षा और आपके इंटरव्यू की परीक्षा दोनों के नंबर मिलाकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जब आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी है और आपने जो लिखित परीक्षा है वो अच्छे से दी है, तो जो आपके इंटरव्यू होगा उसे क्रैक करना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान ने जैसे थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, फिर आपके इंटरव्यू में अमूमन इतने अच्छे भी नंबर नहीं आए, मिला जुला के आ गए, आपकी थ्योरी में अच्छे नंबर आए तो भी आप टीचर बन जाओगे, है ना। और आपने यदि थ्योरी में अच्छे नंबर लाए तो इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर लोगे, इसके लिए आपको कोई भी अलग से तैयारी या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेन फोकस अभी आपका क्या होना चाहिए कि जो हमने सीटेट क्लियर किया है वही पढ़ाई हमें अभी जारी रखनी है। कब तक जारी रखनी है? जब तक केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी ना आए, वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी, और जैसे ही वैकेंसी आते हैं चाहे नवोदय विद्यालय में चाहे केंद्रीय विद्यालय में, तो मेरा अब दायित्व है कि मेरे इस चैनल से
सीटेट वाले भी जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके सामने सूचना लाऊंगा। साथ में आपको भी क्या करना है दोस्तों, कि जो भी रोजगार निर्माण आपके न्यूज़पेपर हैं या वेबसाइट हैं ऐसी, उन्हें आपको भी देखते रहना है, आपको मालूम करते रहना है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में कोई जॉब तो नहीं निकली है। यदि निकली है तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना है और उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका केंद्रीय विद्यालय में कि आपको एक टेस्ट और देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, दोनों के नंबर मिलाकर आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। चिंता ना करें, 2019 या 20 में आपको सीटेट का पूरा लाभ मिलेगा और आपको एक एज ए गवर्नमेंट टीचर बनने का पूरा की पूरा मौका मिलेगा। डेफिनेटली आप बन जाओगे जो मेरा वीडियो देख रहा है। अब बात करते हैं एज ए गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर की जगह समय समय पर निकलती रहती है दोस्तों। गेस्ट टीचर के लिए क्या योग्यता मांगी जाती है, आपके बीएड डीएड होना चाहिए। यदि बीएड डीएड वाले उन्हें नहीं मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय को, तो वो क्या करते हैं, नॉन बीएड डीएड वालों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यदि बीएड डीएड वाले नहीं मिले। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, ये पहले होता था, बहुत कम अवेयरनेस थी बीएड डीएड के बारे में, तो लोग करते नहीं थे, तो ऐसा होता था कि बीएड डीएड वाले मिलते ही नहीं थे। लेकिन अब बीएड डीएड वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो नॉन बीएड डीएड वालों, उनका यहां पर एज ए गेस्ट टीचर बनना एक तरह से मुश्किल ही है, क्योंकि बीएड डीएड वालों को प्राथमिकता दी जाती है। अब बीएड डीएड वाले भी आ गए, तो अब किसको प्राथमिकता दी जाती है, सीटेट वाले को। उसमें कई बार तो आपके न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि सीटेट वाले को प्राथमिकता, ठीक है, ऐसा लिखा भी आ जाता है, और बाई चांस ऐसा लिखा भी नहीं आ रहा है और आपके पास सीटेट के पास का सर्टिफिकेट है और आपने लगा दिया है, तो जो बीएड डीएड वाले हैं जिन्होंने सीटेट नहीं किया और आपने सीटेट किया, तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। ये है अपने आप में। अब इसमें क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है गेस्ट टीचर का, इसमें होता है इंटरव्यू के बेसिस पे। आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, डेफिनेटली आपको वो जॉब मिल जाएगी और अपने आप में बेस्ट जॉब है। एक तो क्या है कि इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है वो अपने आप में काफी मायने रखता है दोस्तों। इसका आपने यदि एक साल या दो साल भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा लिया, अध्यापन कार्य करा लिया दोस्तों, तो आप यदि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो वहां पर और टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे। क्यों दिए जाते हैं कि एक तो आपने केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कराया, दूसरा आपके पास सीटेट है जो सीबीएसई से चलते हैं स्कूल या जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं जिनमें पढ़ाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वो ऐसे ही टीचर को पसंद करते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। यानी कि आप एज ए गेस्ट टीचर यदि केंद्रीय विद्यालय में बन जाते हैं तो बेनिफिट्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा, आपकी पे स्केल बहुत अच्छी होती है एज ए गेस्ट टीचर, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि हमने सीटेट किया है, अब हमें जब तक जॉब नहीं मिल रही है हम एज ए गेस्ट टीचर केंद्रीय विद्यालय में काम करते हो, ये बखूबी बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये पॉजिटिव सोच है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप केंद्रीय विद्यालय की कोई भी वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ में यदि आपको एज ए गेस्ट टीचर काम करने का मौका मिल जाए केंद्रीय विद्यालय में, अपने आप में सबसे बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो एज ए इंटरव्यू से आप सिलेक्ट होते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीटेट वाले भी बहुत सारे पहुंच गए जिन्होंने बीएड डीएड के बाद ही सीटेट होता है, तो सीटेट वाले भी पहुंच गए और मान लो कि वैकेंसी है कम और करीबन आवेदन हो गए 70-80 लोगों ने, 80 लोगों ने आवेदन कर दिए। हर जिले में अलग अलग केंद्रीय विद्यालय होते हैं और अलग अलग गेस्ट टीचर की, एज ए गेस्ट टीचर की जॉब निकलती रहती है आपके सब्जेक्ट से, ठीक है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के नाम से। अब आप वहां पर पहुंच गए और 70-80 लोग पहुंच गए, तो वहां पर वो एज ए डायरेक्ट आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, उस टाइम पर वो क्या करते हैं कि एक एग्जाम रख देते हैं, वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं कंप्यूटर से और उसमें 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होते हैं आपके जो एज ए सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो 10-15 क्वेश्चन होते हैं, उसके चार ऑप्शन होते हैं और आप में से देखा जाता है कि जो भी उनके टॉप 10 होते हैं या टॉप 20 होते हैं उनको बुलाया जाता है फिर इंटरव्यू के लिए। तो जैसे 70-80 लोग इकट्ठे पहुंच गए हैं, उन्होंने सीटेट क्लियर भी किया हुआ है, यदि सीटेट के कम कैंडिडेट हैं तो फिर इंटरव्यू से काम वो चला लेते हैं, लेकिन सीटेट भी किया हुआ है, 70-80 लोग हैं और उनमें बिना सीटेट वाली भी हैं, बीएड डीएड किया सीटेट ने किया, तो वो सबका एक साथ एक एग्जाम ले लेते हैं जिससे कि छटनी हो जाए और उसमें से 20-22 लोग जो भी बचते हैं उनका फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपको खास ख्याल क्या रखना है दोस्तों, कि अधिकतर जो सीटेट हमारे मध्य प्रदेश से किए हुए हैं जितने भी भाई बहन हैं वो हैं हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से आप हो तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होती है स्किल वो उतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। आपने देखा होगा कि इसमें लैंग्वेज मांगते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश हो गई, बहुत से लोग उर्दू और संस्कृत भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा जो मध्य प्रदेश है हिंदी भाषी क्षेत्र है, अधिकतर लोग हिंदी में बात करते हैं,
और एज ए मीडियम भी हिंदी पढ़े होते हैं तो उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों में ही काम आएगा। यदि आप केंद्रीय विद्यालय में पात्रता परीक्षा में पास हो जाते हो, वहाँ भी आप यदि इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में आपको बेस्ट नंबर चाहिए, तो आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। वही यहाँ पर आधार होता है, क्योंकि आपके जो नंबर आएंगे ना गेस्ट टीचर में, और जो आपके नंबर आएंगे ना गेस्ट टीचर में, जैसे 80 लोग पहुंच गए, उन्होंने 20 छांटे हैं उसमें से, तो वो नंबर काम वहां पर नहीं करेंगे, उनका नंबर का काम कहां खत्म हो गया आपके एज ए 20 लोगों में, है ना। अब आपका इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होना है, यानी गेस्ट टीचर का जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू से ही होता है। और केंद्रीय विद्यालय में जो रेगुलर टीचर की भर्ती होती है उनमें सिलेक्शन कैसे होता है, कि आपने जो टेस्ट दिया उसके नंबर और आपने जो इंटरव्यू दिया उसके, दोनों के मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी नियमित शिक्षक वहां पर। जो एज ए गेस्ट टीचर में तो सिर्फ इंटरव्यू से भर्ती होती है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आपकी भर्ती कैसे होगी, आपने जो टेस्ट दिया है उससे और जो आपने इंटरव्यू दिया है उन दोनों के नंबर मिलाकर ही आपकी भर्ती होगी। तो वहां तो ये चल जाता है कि आपकी थ्योरी में अच्छे नंबर आ गए, इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपको हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। गेस्ट टीचर में क्या है, आपको इंटरव्यू ही क्रैक करना पड़ेगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। तो वहां पर आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश की कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। होता क्या है, मैं आपको इंटरव्यू का अभी बता दूं कि जैसे आप गए और आपके 20 लोगों में सिलेक्शन हो गया, सीटेट भी आपने क्लियर किया हुआ है, लेकिन आपसे क्या होगा कि कोई ना कोई जो पैनल बैठा हुआ है 4-5 लोगों का, उसमें से एक फ्रेंड्स क्या करेगा कि आपसे एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेंगे, वो मींस उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी और आपसे वो पूछेंगे। अब आप समझ तो जाओगे कि बंदे ने क्या पूछा है हमसे इंग्लिश में, लेकिन आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में नहीं दे पाओगे, क्योंकि इंग्लिश आपकी एज ए कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप उसका रिप्लाई दोगे हिंदी में। तो यहाँ पर उनका मकसद क्या रहता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि बंदे से यदि हमने इंग्लिश में कुछ पूछा है तो वो इंग्लिश में रिप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर सोच समझकर आंसर देना है। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, आप कम्युनिकेशन कर लेती हो, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई देना है। यानी किसी ने इंग्लिश में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको इंग्लिश में ही देना है। वो यहाँ पर क्या देखना चाह रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है कि नहीं है इंग्लिश में। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, और यदि नहीं है दोस्तों तो अभी भी आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, बहुत सारे बुक्स भी हैं, सीडी भी उपलब्ध हैं, आप न्यूज भी देख सकते हो, बहुत सारी न्यूज आती हैं जो इंग्लिश में देख सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश भी कर सकते हो जिससे आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी। यदि आपने सीटेट किया है हिंदी मीडियम से है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत पढ़ने वाली है, और जबकि इंग्लिश कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जैसे आप क्रैक ना कर सको या ना सीख सको, इंग्लिश कम्युनिकेशन आप सीख सकते हो दोस्तों, है ना। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि आपको किसी ने ये कहा कि क्या आप श्याम को मेरे घर आ सकते हो, है ना, आज श्याम को मेरे घर आ सकते हो, ठीक है। अब इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे कि ग्रामर इसकी क्या है, कौन सा ट्रांसलेट कैसे करें, एक कौन सा वाक्य है प्रेजेंट में आएगा, फ्यूचर में आएगा, इन सब चीज़ों में आप उलझ जाओगे, ठीक है। तो इतना आप सोचोगे, उसके बाद रिप्लाई करोगे तो जो धारा प्रवाह में इंग्लिश होती है वो नहीं आप बोल पाओगे। और आप जैसे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लगातार बोल रहे हो, तो आप आराम से ट्रांसलेट कर लोगे कि विल यू कम दिस इवनिंग, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ये आप कब कर पाओगे दोस्तों, जब आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होगी। और बेटर कब होगी, आपकी ग्रामर आपने अच्छे से सीख ली, ग्रामर सभी को आती है, स्पेलिंग सभी जानते हैं, लेकिन इससे ये अच्छी नहीं होती। ये अच्छी कब होगी, जब आप रेगुलर इसे बोलोगे, रेगुलर पढ़ोगे, आपको एक पेज या दो पेज डेली पढ़ना चाहिए इंग्लिश का, वो भी बोल बोल कर, क्योंकि हम मन में पढ़ते हैं ना तो वो मन में ही रह जाता है, जबान पर नहीं आ पाता है। जबान पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी बुक्स है इंग्लिश की, उसे जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा। साथ में ऐसे फ्रेंड सर्कल आप जोड़ लो, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे ऐसे जो इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी होगी, उनसे भी आप इंग्लिश में बात करो। 30 मिनट बात कर ली, 15 मिनट बात कर ली, आप आजकल तो जियो का जमाना है तो कॉलिंग फ्री है, तो ऐसे कोई अपने फ्रेंड्स पकड़ो जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती हो, जो इंग्लिश मीडियम से है, तो उससे क्या होगा आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सुधर जाएगी कम्युनिकेशन, तो फिर आपको ये डर नहीं रहेगा, तो आपका जो फ्यूचर है वो बेस्ट हो जाएगा अपने आप में। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या लगती है दोस्तों, के जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सीटेट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है इंग्लिश की वो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहां से वो पीछे हो जाते हैं।
ये पीछे नहीं होना, इस पर भी आपको वर्क करना है। तो आप जब इंटरव्यू में जाएं, चाहे आप एज ए गेस्ट टीचर के इंटरव्यू में जाएं और वहाँ पर कोई इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही रिप्लाई दें। लेकिन एक बात का ख्याल ये भी रखना है दोस्तों कि आप ये नहीं कि गलत इंग्लिश बोलने वहाँ पर बैठ जाओ, उससे अच्छा है फिर हिंदी में ही आप रिप्लाई दे दो। उन्होंने इंग्लिश में पूछा है, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप हिंदी में ही जवाब दो। हमें गलत इंग्लिश नहीं बोलनी है, क्योंकि उसका भी असर उल्टा ही पड़ेगा। और ऐसे ही आपके जब केंद्रीय विद्यालय का आप टेस्ट क्लियर कर लोगे और आपकी रेगुलर टीचर की भर्ती होती है जब भी केंद्रीय विद्यालय में करती है, तो आपने एक टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वहां भी यही है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सामने वाले ने जानबूझकर, वो मालूम है कि आप हिंदी मीडियम से, तो जानबूझकर एक क्वेश्चन वो इंग्लिश में आपसे जरूर पूछेंगे। वो देखेंगे कि बंदा हिंदी में आंसर दे रहा है कि इंग्लिश में। यदि आपने इंग्लिश में आंसर दे दिया तो बेस्ट है, और यदि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आ रही तो आप हिंदी में ही दें। लेकिन उससे बेहतर है कि अभी भी आप इंग्लिश को कंटिन्यू करें, उसे पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी हिंदी तो मातृभाषा है, तो उसमें तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। इंग्लिश भी ऐसी है कि थोड़ी हमारी मातृभाषा से नहीं है, हमारी रेगुलर रूटीन में नहीं है, तो उसे अपनी हैबिट्स में लाएं और डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और आपको कोई भी और डाउट्स रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा। आपने इस वीडियो को देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही दोस्तों। क्यों खुशी हो रही मैं आपको बता दूं सीधी, कि आपने सीटेट क्लियर कर लिया है भैया, ये सबसे बड़ी बात है। सीटेट क्लियर कर लिया है, अब इसके बाद आपको टीचर की जॉब मिलेगी, थोड़ी हमारी तैयारी है उसे भी आप क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली मिल जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझसे जुड़े लोग हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।